गाइस सीएसएस में सो फार हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम कोई भी चीज़ को स्टाइल करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से 31.html फाइल बनाऊँगा और जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर मोर ऑन सेलेक्टर्स लिख के दिखाऊंगा। और हम लोग यहाँ पर सेलेक्टर्स के बारे में देखेंगे किस तरह हम लोग और एडवांस सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस में कि आपने स्टार्टिंग से नहीं बताया, इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर कर रखा है इस प्लेलिस्ट में। आप इसको बुकमार्क करें, सेव करें, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर आऊँगा वापस से और हम लोग देखेंगे सेलेक्टर्स के बारे में कुछ और। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बहुत ही बेसिक सेलेक्टर देखे थे जिसमें हम क्या करते थे, एलिमेंट का नाम लिख के सेलेक्ट कर लेते थे, और वो कुछ इस तरह से था। जैसे मैंने H1 लिखा और लिखा दिस इज़ मोर ऑन सेलेक्टर्स, और जैसे ही मैं ये करके अगर H1 लिखूं यहाँ पर और H1 लिखकर मैं यहाँ पर लिख दूं मान लो बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँ, और उसी के साथ साथ कलर को कर दूँ ब्लैक और कर दूँ फॉन्ट वेट को बोल्ड। जस्ट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बिल्कुल भी स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। मैं अब गो लाइव पे क्लिक करूँगा और ये देखो खुल गया, दिस इज़ मोर नो सेलेक्टर लिख दिया गया मैंने, मोर ऑन सेलेक्टर लिखना था मुझे, मोर ऑन सेलेक्टर्स लिख दिया। उसी के साथ साथ मालूम मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन एम्फेसिस नहीं यार, अलाइन सेंटर, ठीक है। और ये देखो बीच में आ गया। तो इस तरह से अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं कुछ और एडवांस तरीके से सेलेक्ट करना चाहूँ एलिमेंट को तो वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से वो काम किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिव डॉट कंटेनर बना दूँ और इसके अंदर डिव डॉट मान लो हेडर बना दूँ एक, या फिर एक काम करता हूँ मैं डिव डॉट रो बनाता हूँ और इसके अंदर मान लो मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ जिसमें मैं लिखूंगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा दिस, यहाँ पर पी लिखता हूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, सेव करूंगा और यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखूंगा दिस इज़ आउटर मोस्ट पैराग्राफ, सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखो दिस इज़ अ पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ, आउटर मोस्ट पैराग्राफ, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डिव पी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। अगर मान लो मैंने कलर येल्लो कर दिया इनका और फॉन्ट वेट कर दिया मैंने मान लो बोल्ड, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ ये दो पर ये प्रॉपर्टी लागू हुई, आखिरी वाले पर लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने सेलेक्टर में अपने बता रखा था कि डिव किसी भी डिव के अंदर कोई भी पी हो और कितने भी अंदर हो सकता है डिव के अंदर 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 पी हो तो उस पर भी ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ ताकि ये देखे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सेव किया मैंने और यहाँ पर देखो ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि डिव के अंदर के पी को ये कर दो तो मैं ये सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी आप चाहोगे कि जो डिव के अंदर डायरेक्ट पी हैं सिर्फ वो असर में आए इस प्रॉपर्टी, ये जो मैंने यहाँ पर सेलेक्टर लिखकर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये सिर्फ उनको अफेक्ट करें जिन डिव के अंदर डायरेक्ट पी है। तो अब यहाँ पर देखो मैंने डिव के अंदर पी लिखा है, अगर मैं इसको एक यूएल के अंदर डाल दूँ और यूएल के अंदर एलआई डाल दूँ और एलआई में मैं लिखूँ क्लास आइटम और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ और इसके अंदर मैं मान लो एक पैराग्राफ टैग डाल दूँ और लिख दूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ इनसाइड एलआई, और मैं काम करता हूँ एक ही एलआई रखता हूँ यहाँ पर, भी ज़्यादा एलआई रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो उस पर भी ये लागू हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, मैंने ये जो सेलेक्ट किया है मेरा सेलेक्टर ये कहता है कि किसी भी डिव के कितने भी अंदर पी मिल जाए, यानी कि यहाँ डिव से चालू करेगा इसके अंदर जितने भी पी हैं सब पे लागू कर देगा, तो सब पे लागू हो गई। फिर इसमें जाएगा इसके अंदर जितने भी पी हैं सब पे लागू कर देगा, तो सारे के सारे पी पर लागू हो गया एक्सेप्ट ये वाला पी। तो यहाँ पर ये जो डिव और स्पेस देके मैंने पी लिखा ये क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है कितने भी अंदर कितनी भी डेप्थ में आपके पैराग्राफ होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, बस डिव के अंदर पी होना चाहिए। अब मैंने डिव पी और एलआई लिख दिया यहाँ पर मान लो, तो ये सिर्फ एलआई के लिए लागू होगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिव के अंदर पी और पी के अंदर एलआई, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, डिव के अंदर पी के अंदर तो एलआई है नहीं, यहाँ पर डिव के अंदर एलआई के अंदर पी है। देखो डिव के अंदर एलआई के अंदर पी, तो अगर मैं डिव एलआई पी कर दूं तो क्या होगा, सिर्फ इस वाले को
ये अफेक्ट करेगी, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इसको अफेक्ट कर रही है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई दूसरा एलआई लगा भी दूँ, डिव के अंदर एलआई के अंदर पी, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कोई दूसरा पैराग्राफ लगा दूँ, पैराग्राफ यहाँ पर मैंने पी के लिए रखा है इसको, तो किसी पैराग्राफ के लिए लागू नहीं होगी। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर एलआई लगा दिया उसके लिए भी लागू नहीं होगी, दिस विल नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर हायरार्की को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक स्पेसिफिसिटी के अंदर जाना चाहते हैं कि भाई डिव के अंदर यूआई के जस्ट अंदर वाला एलआई, तब आप क्या करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने जैसे यहाँ पर डिव और पी लिखा था, तब क्या हुआ था, सारे के सारे ये और ये अफेक्ट हो गए थे। अब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है पी डिव का, यहाँ पर देखो ये वाला पी जो है जो एलआई के अंदर है, दिस इज अनदर पैराग्राफ इनसाइड एलआई वाला, वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है मेरे डिव का। देख लो, डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, इसका पेरेंट एलआई है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉपर्टी अफेक्ट में आ गई। लेकिन कभी कभी आप चाहते हैं कि डायरेक्ट चाइल्ड अगर वो हो तभी लागू हो प्रॉपर्टी, तो आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, ग्रेटर देन साइन लगा सकते हैं। और ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है कि डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड है, यानी कि डिव के अंदर अगला एलिमेंट पी होना चाहिए तभी लागू होगा। अब जैसे ये डिव कंटेनर है मेरा, इसके अंदर एक एलिमेंट डिव है और एक एलिमेंट पी है, तो ये जो दिस इज अनदर पैराग्राफ है इसके लिए लागू हो जाएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि डिव के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट है जो पी है वो चाइल्ड है मेरे डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर का। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिव के अंदर डायरेक्ट पी ए भी है, देखो ये दिस इज अ पैराग्राफ भी है, तो ये दो यहाँ पर अफेक्ट हो गए। देखो अब अगर मैंने कोई और पैराग्राफ कहीं और लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लगा दिया, दिस इज अ पैरा इनसाइड यू एल, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अफेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है मेरा। मैंने लिखा है डिव के डायरेक्टली अंदर होना चाहिए पी, डिव के बाद पी आना चाहिए बस। अगर ऐसा होता है तब ये प्रॉपर्टी लागू कर दो, वरना प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और सेलेक्टर के बारे में बताता हूँ, और वो सेलेक्टर क्या है उसके बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। वो क्या है कि आप लोग अगर यहाँ पर चाहते हैं कि एक ऐसे एलिमेंट पर लगाओ सारी की सारी सीएसएस जिसका पिछला एलिमेंट डिव हो, ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूँ डिव प्लस पी, तो ये प्रॉपर्टी लागू होगी। मैं कलर वाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ भी, तो क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैराग्राफ जिसका जो पिछला सिबलिंग है वो डिव हो। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो मैं यहाँ पर कोलैप्स कर रहा हूँ इनको, ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसकी पिछली सिबलिंग क्या है, डिव है। सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, सिबलिंग का मतलब ये हुआ, देखो इसका ये जो मेरा टैग है पैराग्राफ, इसका पेरेंट क्या है, ये किस चीज़ के अंदर है, बॉडी के अंदर है, देखो ध्यान से, ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर मेरा एच वन है, ये डिव है। अब इसके अंदर क्या क्या है उसको भूल जाते हैं अभी, अब यहाँ पर पी है, ये तीन इसके सिबलिंग्स है, इसका जो पी है इसका पिछला सिबलिंग क्या है, कंटेनर है, तो इसका जो पिछला सिबलिंग है वो एक डिव है, ठीक है, तो इसलिए इस पैराग्राफ पर ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या कोई ऐसा मेरा पैराग्राफ है जिसका पिछला सिबलिंग डिव है, हाँ है, ये देखो दिस इज अनदर पैराग्राफ है, इसका पिछला सिबलिंग क्या है, डिव है, तो इन दोनों पर ये प्रॉपर्टी लागू हो जानी चाहिए, अनदर पैराग्राफ और आउटर पैराग्राफ पे, तो ये देखो अनदर पैराग्राफ और आउटर पैराग्राफ पे ये लागू हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस रेड को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ना हेडिंग में भी रेड दिया हुआ है, तो इस रेड को थोड़ा लाइट कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से सेव करूँगा, तो देखो ये यहाँ पर लाइट हो गया, ये मैंने दूसरा रेड दिया था उसको अपने एच वन को। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर डिव एक डायरेक्ट पेरेंट है पी का, तो आपका ये वाला जो प्रॉपर्टी थी वो काम हो करेगी, और अगर डिव है पिछला सिबलिंग पी का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं जल्दी से ना कमेंट्स लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़, यहाँ पर लिखता हूँ डिव इफ़ पी इज़ कंटेन्ड बाय एनी एलआई विच इज़ कंटेन्ड बाय डिव, ठीक है। अब यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि डायरेक्ट चाइल्ड हो सकता है, डिव के अंदर बहुत कुछ कुछ हो, उसके अंदर कहीं एलआई हो, उसके अंदर बहुत कुछ कुछ हो, उसके अंदर पैराग्राफ है, तब ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इफ डिव, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ पी इज राइट इनसाइड डिव, ठीक है, देन
दिस सी एस एस विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें की। अब यहाँ पर देखते हैं जो प्लस था उसका क्या मतलब है। यहाँ पर लिखेंगे इफ पी इज राइट आफ्टर डिव, ठीक है, और या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका है कि पी जो है वो नेक्स्ट सिबलिंग है डिव का, दैट इज पी इज द नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ डिव। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ को खुद अप्लाई करके देखें, क्योंकि अगर आप लोग इनको खुद अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ में आए, तो एक क्लैरिटी रखने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें खुद से ट्राई करनी पड़ेंगी। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि एक चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को काइंडली ज़रूर से एक्सेस कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक अच्छी क्लैरिटी के लिए आप लोगों को ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करनी चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस कोर्स का कोई प्री रिक्विजिट है। मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अपना टाइम लेकर यहाँ पर आना है, और अपना टाइम और सीखने की जो आपकी लगन है वो लेकर आना है आप लोगों को, और आराम से आपको वीडियोस देखना है, और वीडियोस देखते देखते जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको खुद से ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जितना कोड आप लोग लिखेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं बस ये कहूँगा कि इसको स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने एंड तक देख लिया, कोर्स ही मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है कि कोई इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने के बाद मुझसे ये नहीं कह सकता कि हमको CSS नहीं आई समझ में, या फिर हमको HTML समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इस कोर्स को ऐसा बनाने वाला हूँ कि मैं सब कुछ इसमें ऐड करूँगा, आप लोगों को एक वेब डेवलपर बना दूंगा, सब कुछ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग बस बने रहो इस कोर्स में, सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करके यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मुझे लाइक जरूर दे दिया करें। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि सारे के सारे वीडियोस का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में देते जा रहा हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, मेरी वेबसाइट पर जाना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और आप लोगों को वीडियो सेक्शन में जाकर ये जो मेरा कोर्स है इसमें स्टार्ट वॉचिंग में क्लिक करना है, और किसी भी वीडियो का जो कोड है वो यहाँ पर कोड वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाना है। यहाँ क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसको वॉच कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे सही आप कॉपी करें कोड को, और कोड को कॉपी करने के बाद आप लोग पेस्ट करेंगे जैसे ही कहीं पर भी। मैं यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर करने का कोई पॉइंट नहीं था, बट एनीवेज यहाँ पर जैसे मैंने पेस्ट किया मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, तो ये देखो कोड यहाँ पर आ गया। तो कोड को कॉपी पेस्ट करना आप लोगों के लिए मैंने बहुत आसान बना दिया है, तो आप लोग यूज़ करें इन सारे फीचर्स को जिन पर मैंने काम किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई हैं ये सब चीज़ें। तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके कोड को ज़रूर एक्सेस कर लें। अगर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ, और आप सिर्फ देखना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इतना लंबा वापस से टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कोड दिया हुआ है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।